एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कीमा भरे समोसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। कीमा भरे समोसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, उसमें सबसे पहले हमने कीमे को भून लिया है। इसमें हमने एक छोटा सा प्याज ऐड किया था, गार्लिक ऐड किया था और नमक, हल्की सी हमने हल्दी डाली है। इस तरह आप इसको फ्राई कर लें। इसके अलावा 250 ग्राम के करीब मैंने लिए हैं चने बॉयल हुए हुए। यहाँ पर ली है बेल पेपर, रेड कलर की शिमला मिर्च है और ग्रीन मिर्चें ले लें जितनी आपको अच्छी लगे। ये कम करवी थी तो मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं। इसके अलावा सब्ज़ धनिया और प्याज 2 अदद मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है धनिया, खुश्क धनिया और चिली फ्लेक्स जो हैं, धड़ा मिर्च जितनी आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से ले लें। मैं सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए मैंने कम लिए हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब होंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। खुश्क धनिया को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना बल्कि थोड़ा सा कम, आप पाउडर फॉर्म में ना हो नज़र आए ना कि डाली भी है। और इसके साथ साथ हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ले लिया है आमचूर पाउडर। ये इसमें थोड़ी सी खटास होती है तो जो कि बहुत अच्छा जायका देती है। 1/2 टीस्पून के करीब ही या इससे कम आप जो हैं वो ले लें अजवाइन ले लें, 1-2 चुटकी के करीब है, ये 1/2 टीस्पून से कम ही है। इसके साथ साथ ले लें नमक। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये इसमें डलेंगी। ये साथ ही मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है, हसबे जायका जितना आप लोग पसंद करें। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल लेंगे और साथ ही साथ ये जो भुना हुआ कीमा हमने रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे ताकि ये मज़ीद थोड़ा गर्म हो जाए। और उसके बाद हम सारे के सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और जितनी भी वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी बिल्कुल कच्ची हम समोसों में ना डालें बल्कि वो भी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये हमने कीमा सारा शामिल कर लिया। ये तकरीबन 1/2 किलो के करीब कीमा था, इसको हमने फ्राई कर लिया था। इसको आपने बहुत ज़्यादा धीमी आँच पर आहिस्ता आहिस्ता से गर्म करना है और इसमें फिर इसके बाद तमाम चीज़ें शामिल करनी है। ये अब सही तरह से गर्म हो चुका है और इसमें हम अब शामिल करेंगे तमाम के तमाम स्पाइसेस, जिनमें शामिल थी सूखी धनिया, धड़ा मिर्च, ज़ीरा, आमचूर पाउडर, नमक और चाट मसाला। इन तमाम को आपने इनमें शामिल कर लेना है और तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है ताकि इन तमाम मसालों की खुशबू जो है वो कीमे में सही तरह से शामिल हो जाए। अब ये 250 ग्राम के करीब चने थे वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं। चने भी बॉयल हैं, कीमा भी बॉयल है, इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये ब्राउन ब्राउन से ना हो जाए बल्कि हल्का सा इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, जिनमें 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने काट के रख ली थी वो मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितनी चाहें शामिल कर सकते हैं। ये 2 अदद प्याज थे बारीक कटे हुए, ये शामिल करूँगी। अभी हम सब्ज़ धनिया और जो रेड बेल पेपर है, शिमला मिर्च है, वो शामिल नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है तो उसको हम बिल्कुल आखिर में करेंगे। इनको तकरीबन 2 मिनट के करीब पकाएंगे। आपने इन तमाम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा भी नहीं पका देना क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इनमें कच्चापन रहना चाहिए क्योंकि समोसों में वही मज़े का लगता है, वरना एक सालन वाला जायका आएगा आपको। तो ये तकरीबन 2 मिनट के करीब इनको फ्राई कर लें बिल्कुल धीमी आंच पे। आपने आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और रेड बेल पेपर।
जो कि काट के रखी हुई थी, और ये कलर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, रेड कलर और ग्रीन कलर और ये तमाम चीज़ें। अगर आप समोसों में आलू डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर यही रहेगा, कीमे की जगह आप आलू डाल लें या कीमे के साथ भी आप आलू डाल सकते हैं जिस तरह के अभी मैंने चने डाले हैं। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। समोसों की फिलिंग हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। गरम गरम आपने फिलिंग समोसों में ऐड नहीं करनी। अब हम समोसों की डो बनाएंगे और उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि डो किस तरीके से बनानी है। समोसों की डो बनाने के लिए तकरीबन 800 ग्राम के करीब मुझे मैदा चाहिए होगा, जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ से भी आटा गूंद लेते हैं, इसकी डो तैयार कर लेते हैं, और हैंड मिक्सर में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चॉपर में बना रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत अच्छी डो बनती है और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तकरीबन एक मिनट के करीब टाइम लगता है और आपकी डो तैयार हो जाती है। तो आपने लेना है तकरीबन 800 ग्राम के करीब मैदा, और इसमें हम फिर शामिल कर लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन, ताकि इसका भी एक अच्छा सा जायका है, डो में भी जायका है, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही नमक डाल लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छे समोसों की डो तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून घी, जिसमें हम शामिल कर देंगे। ऑयल से भी बनते हैं लेकिन उसकी फिर डो और तरह की होती है। घी की डो जो है वो बड़ी क्रिस्पी समोसे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी डो तैयार होती है। तो तकरीबन 5 चम्मच के करीब आपने लेना है घी, जो आपने इसमें शामिल कर देना है, और इसको थोड़ा सा आप जो है मशीन को चला देंगे। इस चॉपर को मैं चला रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 200 ml के करीब पानी इस्तेमाल होगा, लेकिन आपने सारे का सारा पानी एक बारी ही नहीं शामिल करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ताकि डो जो है वो सख्त हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, आपके जो समोसे हैं उनकी बटियां आसानी से बन सकें। तो इस तरह तकरीबन 1 मिनट के करीब आप इस चॉपर को चलाएं और डो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करते जाएं, एक बारी ही सारा पानी शामिल नहीं करना, डो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और फिर उसमें आपको मज़ीद चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी और सारी क्वांटिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, डो थोड़ी सख्त ही अच्छी लगती है और समोसे बनाने में आसानी भी होती है। समोसा डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप जो हैं वो फ्रिज में रख देंगे। कवर करके आपने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने घी डाला हुआ है, और जब आप इसको बाय रखेंगे तो इस ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और इसमें एक सॉफ्ट लुक आ जाएगी। इसलिए हम इसको कवर करेंगे और फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 मिनट भी आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आप ना रखें, और फिर हम बाय निकाल के इसको समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। ये डो बिल्कुल ठंडी होकर तैयार हो चुकी थी और अब हम इनको एक जैसे हिस्सों में इस तरह रोल करके काट लेंगे और उसके बाद इनके पेड़े बना लेंगे, ताकि समोसा पट्टी तैयार की जा सके। तो आपने एक ही साइज़ के कटर से इनको काट के पेड़े बना लेने हैं और उसके बाद पट्टियां तैयार करेंगे। अब इन पेड़ों को हाथ की मदद से इस तरह फैला लेंगे और साइड पे आप रखते जाएं, थोड़ा ये रेस्ट कर लेंगे तो इनको रोटी की फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप फ़ौरन बेलते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोलिंग पिन की मदद से इनको रोटी की तरह बेल लें,
ये तमाम की तमाम रोटियां तैयार हो चुकी हैं, जिनसे हमने समोसा पट्टियां बनानी थी ये बिल्कुल रोटी की तरह तैयार होती हैं। तो इस तरह आप तैयार करके इनको रखें। अब हम तवे को गरम करके इसके ऊपर ये रोटियां हल्की हल्की सेक लेंगे। इसके ऊपर फूल नहीं बनने चाहिए बल्कि हल्का सा, अगर आप देखें एक साइड इसकी खुश्क हो चुकी है तो फ़ौरन से इसकी साइड पलट लें। तकरीबन आधे मिनट में ये जो है पट्टी तैयार हो जाती है। अगर आप कच्ची पट्टियां लेके समोसे बनाते हैं तो उनको हम फिर उनको स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं समोसे। तो इसलिए ये पकी हुई जो समोसा पट्टी होती है इसको अगर आप फ्रिज में स्टोर भी करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते, बल्कि आप इसे स्टोर करके रख लें, रमज़ान के लिए रख लें, या किसी फंक्शन पार्टी में अगर आप उसके लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना के रख लें। इसको दरमियान में से मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूँ ताकि एक साइज़ की पट्टियाँ बन जाएँ, और कटर की मदद से मैं अब काट लूँगी इनको। ये बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी। इस तरह ये तमाम की तमाम समोसा पट्टियां कट के तैयार हो चुकी हैं। अब हम वन बाय वन फिलिंग लेंगे और इनमें शामिल करते जाएंगे। समोसा तैयार करने के लिए अब इसकी फिलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बना लिया है बैटर, जिसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने मैदा डाला है पानी के अंदर, और ये इस तरह बैटर तैयार हो गया है जिससे हम समोसे को जोड़ेंगे। आपने समोसा पट्टी के दोनों कोनों को इस तरह पकड़ के और इस बैटर की मदद से इसको जोड़ के इस तरह की एक कोन बना लेनी है। तो ये जो अब 2 साइडें मैंने इसकी पकड़ी हैं, इसमें ये मैं बैटर लगाऊँगी और इसकी मदद से इसको हम जोड़ के एक कोन बना लेंगे। ये कोन इस तरह रेडी हो जाएगी और इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब फिलिंग हम लोग डालेंगे। बहुत ज़्यादा समोसे को भरना भी नहीं है कि बिल्कुल ही समोसा भरा हुआ फिलिंग से, और बहुत कम भी नहीं डालनी, इस तरह डाल के। और ये साइडों पे भी हमने ये फिलिंग लगा ली है, ये बैटर लगा लिया है, और इस तरह आप समोसे को हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि समोसा खुले ना जुड़ जाए। और अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फोक लेके इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह तमाम समोसा पट्टी में फिलिंग डाल के आपने इसको तैयार कर लेना है, और बैटर की मदद से जोड़ के तमाम ही तमाम समोसे तैयार कर लें। तमाम समोसे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और तकरीबन 1 किलो में 35 के करीब समोसे बनते हैं। ये 28 समोसे बने हैं क्योंकि 800 ग्राम के करीब मैदा था। रात काफ़ी हो चुकी है और इसको अब मैं रात भर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, और इंशाल्लाह हम सुबह के टाइम फ्राई करेंगे। तो इसको आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये अपनी शेप अटेन कर लेते हैं। तो ये देखें रात भर ये फ्रीज़र में रहे हैं, और अब इसको मैं निकाल के आपको बताऊंगी कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़े। अगर आप जो समोसा पट्टी होती है उसको फ्राई ना करें तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अलग अलग है और एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। अब एक पॉलीथीन बैग देंगे और उसमें इसको डाल देंगे जो आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, बाकी ये जो है उनको हम फ्राई कर लेंगे, और फिर इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। सॉस पैन में मैंने ले लिया था ऑयल, और इन समोसों को आप करेंगे डीप फ्राई, और इनकी लुक कुछ इस तरह की हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ और एक एक स्टेप आपको सिखाया है। इसी तरह आप आलू भरे समोसे भी बना सकते हैं, कीमे भरे समोसे भी बना सकते हैं, उनकी बेसिक रेसिपी जो है वो एक ही तरह की है। आप फिलिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।